सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम है अजय और मेरी इस अजय द्रूप चैनल के अंदर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, जब आप अपने यूट्यूब वीडियोस के लिए या फिर किसी भी वीडियो के लिए जब आप अपनी मोबाइल के बैक कैमरा से अपने फेस कैम करते हो तो उस टाइम आपके सामने एक प्रॉब्लम जरूर शो होता है। जब आप अपने मोबाइल के बैक कैमरा से आप अपनी वीडियो को शूट करते हो तो उस टाइम आपको पता नहीं चलता है एक्चुअली में आपका मोबाइल की स्क्रीन के अंदर आपका फेस कहाँ पर है, ठीक है, मिडल में है या फिर साइड में है। तो उस टाइम आपको बहुत सारा प्रॉब्लम शो होता है वीडियो शूट करते टाइम। आपको यहाँ पर किसी और का हेल्प लेना पड़ता है और उसके बाद ही आप अपना वीडियो को शूट कर पाते हो। और दोस्तों, यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप फेस कैम करते हो, ठीक है, वीडियो शूट करते हो, तो आपको भी जरूर पता होगा अगर आपके सामने कोई होता है तो आपको बहुत सारा प्रॉब्लम शो होता है फेस कैम करने में, ठीक है। अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो को क्रिएट करते हो मेरे तरह, तो यहाँ पर मुझे बहुत सारा स्किप लेना पड़ता है वीडियो शूट करते टाइम, क्योंकि मुझे उतना क्लियरली हिंदी नहीं आता है, तो उस वजह से मुझे बहुत सारा स्किप लेना पड़ता है। और अगर आप मेरे सामने कोई बंदा ऐसा दिखता है मुझे, तो वो मुझे पागल छोड़ के और कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है। एनीवेज दोस्तों, आज मैं इस वीडियो अंदर आप लोगों को बताने वाला हूँ, अगर आपके पास दो फोन है, दो एंड्रॉयड फोन है, तो आप बहुत ही इजीली आप किसी एक फोन का स्क्रीन को दूसरे फोन में शेयर करके आप अपनी बैक कैमरा का जो स्क्रीन है, आप अपना मोबाइल का जो स्क्रीन है, उसको आप देख सकते हो बहुत ही इजीली किसी दूसरे फोन में, ठीक है। तू समझा? नहीं, तू समझा नहीं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर मेरे पास एक फोन है और यहाँ पर एक फोन से यहाँ पर शूट कर रहा हूँ। तो आप लोग इस तरीके से, तो यहाँ पर आप लोग इस तरीके से आप इस फोन का स्क्रीन को किसी दूसरे फोन पे शेयर करके आप अपने फेस को देख सकते हो कहाँ पर है आपके फोन के स्क्रीन के ऊपर। तो आप बहुत ही इजीली आप इस तरीके से देख सकते हो। अगर आपको पता नहीं आप कैसे अपने एक फोन का स्क्रीन को कैसे दूसरे फोन में कैसे शेयर कर सकते हो, दोस्तों आज की इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इस वीडियो अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ आप लोग किस तरीके से आप एक फोन का स्क्रीन को आप कैसे दूसरे फोन में शेयर कर सकते हो बहुत ही इजीली। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल के अंदर फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मेरे इंस्टाग्राम को जरूर फॉलो कर लेना। मेरे इंस्टाग्राम का यूजर नेम है ajoyday25, सो फॉलो जरूर कर लेना। और दोस्तों, अगर आप लोग मन में किसी भी टॉपिक रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होता है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करना, तो मैं उसके ऊपर एक सॉल्यूशन वीडियो लेकर के आऊंगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अपने एक फोन का स्क्रीन को दूसरे फोन में शेयर करने से पहले आपको सबसे पहले प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना होगा। आपको सेम एप्लीकेशन आपको दोनों फोन में इंस्टॉल कर लेना होगा। आप जिस भी फोन के अंदर अपने मोबाइल की स्क्रीन को शेयर करना चाहते हो, आपको सिंपली उस फोन के अंदर भी सेम एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना होगा और आपके मोबाइल के अंदर भी सेम एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना होगा, ठीक है। तो आपको सिंपली प्ले स्टोर के अंदर जाना होगा, वहां पर जाके आपको सर्च करना है एनी स्क्रीन मोबाइल स्क्रीन शेयरिंग लेकर के आपको सिंपली सर्च करना होगा। और सर्च करने के बाद आपके सामने एक एप्लीकेशन शो हो जाएगा और सिंपल आपको उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना होगा दोनों फोन में, ठीक है। दोस्तों, यहाँ पर मैंने इस एप्लीकेशन को ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है, तो इसलिए मेरे सामने यहाँ पर ओपन का ऑप्शन आ रहा है, तो सिंपली मैं यहाँ से ओपन कर देता हूँ। तो आप भी इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद आपके सामने जो परमिशन शो होता है, आपको सिंपली उस परमिशन को अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप के इंटरफेस शो होगा, ठीक है। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको दोनों फोन में सेम एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ पर आप जिस फोन का स्क्रीन को किसी दूसरे फोन में शेयर करना चाहते हो उस फोन के अंदर आपको सिंपली यहाँ पर शेयर स्क्रीन के ऊपर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आप जिस फोन के अंदर किसी दूसरे फोन का स्क्रीन को देखना चाहते हो उस फोन के अंदर आपको यहाँ पर रिमोट स्क्रीन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपके सामने शो होगा एंटर 9-digit code ऑफ द सेंडर। तो सिंपल आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको उस फोन के अंदर जो कोड शो होगा उस कोड को यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। आप जिस फोन का स्क्रीन को आप यहाँ पर देखना चाहते हो, इस मोबाइल के अंदर देखना चाहते हो, आपको सिंपल उस मोबाइल के अंदर आपको एक कोड शो होगा, तो सिंपली उस कोड को यहाँ पर एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद आपको सिंपली कनेक्ट पर क्लिक कर देना है, ठीक है। कनेक्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना है। वेट करने के बाद आपके मोबाइल के अंदर ऑटोमेटिकली दूसरे मोबाइल का जो स्क्रीन है यहाँ पर आपके सामने शो हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मेरे एक मोबाइल का स्क्रीन यहाँ पर मुझे दूसरे मोबाइल में शो हो रहा है। दोस्तों, इस तरीके से आप किसी एक मोबाइल का स्क्रीन को आप किसी दूसरे मोबाइल में शेयर करके आप बहुत इजीली देख सकते हो, ठीक है। दोस्तों, आई होप कि इस वीडियो से आप लोगों को पता लग गया होगा आप किस तरीके से आप एक मोबाइल का स्क्रीन को दूसरे मोबाइल में शेयर करके आप बहुत ही इजीली फेस कैम को कर सकते हो बैक कैमरा से, ठीक है। दोस्तों, आई होप कि इस वीडियो से आप लोगों को पता लग गया होगा आप किस तरीके से आप एक फोन का स्क्रीन को दूसरे मोबाइल में शेयर करके उस मोबाइल के अंदर आप अपना फेस कैम को देख सकते हो और आप बहुत ही इजीली बैक कैमरा से वीडियो को शूट कर सकते हो। दोस्तों, अगर आप लोगों को इस वीडियो से थोड़ा सा भी हेल्प होता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों, मेरे इंस्टाग्राम को भी जरूर फॉलो कर लेना, मेरे इंस्टाग्राम का यूजर नेम है ajoyday25, सो फॉलो जरूर कर लेना। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।